नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द संस्कृत एजुकेशन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा विषय है संधि। संधि में क्या क्या होता है, क्या इसकी परिभाषाएं होती हैं, इसको कैसे सरलता से समझा जाए, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं संधि क्या होती है। संधि शब्द का अर्थ है मिलना या जुड़ना। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। यहाँ पे मिलना और जुड़ना से भाव है, दो पदों में जब संधि होती है तो पहले पद का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वाला स्वर या व्यंजन, ये मिलते हैं। इस आधार पे सर्वप्रथम हम स्वर संधि को समझते हैं क्या होता है। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। जब आगे बढ़ते हैं तो दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ संधि की परिभाषा समझेंगे। जब दो शब्दों की संधि करते समय अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है, जब ई ई के साथ ई ई हो तो ई बनता है। अर्थात जैसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि हरि प्लस ईश, हरीज बनता है। प्रारंभ वाले पद में अंत में छोटा ई होता है और दूसरे वाले में बड़ा ई होता है, तो भी बना बड़ा ई, यही बताया जा रहा है। जब ऊ और ऊ के साथ ऊ ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है, यानी दीर्घ ऊ। इस संधि को संधि ही नाम पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को पता है नाम दीर्घ है, तो मतलब यहाँ दीर्घ हो जाना। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि स्वर संधि का एक भेद अथवा प्रकार है। जब संधि करते समय अ आ के साथ ई ई हो तो ए बनता है, जैसे गण प्लस ईस, गणेश। जब अ आ के साथ उ उ हो तो ओ बनता है, जैसे पर प्लस उपकार, परोपकार। जब अ आ के साथ री हो तो अर बनता है, तो यह गुण संधि कहलाती है। जैसे आपको बता दूं, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, ये गुण संधि के उदाहरण हैं। वृद्धि संधि की परिभाषा देखते हैं। जब संधि करते समय जब अ आ के साथ ए ऐ हो तो ऐ हो जाता है, यथा जैसे तथा प्लस एव, तथैव बनता है। और जब अ आ के साथ औ या औ हो तो औ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं, जैसे महा प्लस औषधि, बहौषधि। उम्मीद है आप यह अच्छे से वृद्धि संधि समझ गए होंगे। यण संधि हैं, जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि। उसी प्रकार हमने वधु प्लस आज्ञा, वध्वाज्ञा इत्यादि वाक्य बनते हैं। और री में भी जैसे मातृ प्लस आदेश, तो बन जाएगा मात्रादेश, बन जाता है। अयादि संधि में जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ए ऐ ओ औ के साथ अन्य कोई स्वर हो तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव बन जाता है। जैसे कि हम सबको पता है, यदि वाक्य है ने प्लस अनम तो नैनम, उसी प्रकार नई प्लस इका, नाविका, तो यहाँ पर बन जाता है ऐ का आय, नायक है, था नई प्लस अका, नायक। ओ का अव बन जाता है, जैसे पो प्लस अक, पो प्लस अनम पवनम, पो प्लस अनम पवनम। औ में अव का आव कैसे बनता है, जैसे कि जैसे पौ प्लस अक पावक, इस प्रकार से संधि बन जाती है। यदि अयादि संधि कहलाती है, यही अयादि संधि कहलाती है। या व से पहले व्यंजन पर अ आ की मात्रा हो तो अयादि संधि होती है, हो सकती है। लेकिन अगर और कोई विच्छेद ना निकलता हो तो लस के बाद वाले भाग को वैसे ही का वैसा लिखना चाहिए। व्यंजन संधि समझ लेते थोड़ी सी। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है, उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्णों में संधि होती है तो उसमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं।
विसर्ग संधि सामान्य में समझें, विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, यानी विसर्ग में जो परिवर्तन होते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।